ये नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स देखें जो कि मैंने सारी जो वेजीज हैं इस हमें सैलेड्स में जो चाहिए वो मैंने कटिंग करके रखी हुई हैं। इसमें आपको आइसबर्ग चाहिए 1 कप, वॉश करके आपने इसे ठंडे पानी से अच्छी तरह डिप कर देना और फिर इसे स्टेन कर लें। 1 कप हमारे पास ऑनियन है, ये देखें ये भी क्यूब कटिंग में है। कुकम्बर सीडलेस हैं क्यूब कटिंग में। ये हमारे पास कैरेट है क्यूब कटिंग में। ये हमारे पास दोनों मतलब हमारे पास ये कैबेज हैं, एक वाइट वाली है और एक ये पर्पल कलर की है। दोनों कैबेज ले रही है और ये सब कटिंग जो है आपने क्यूब में रखनी है। और ये देखेंगे टमाटर हैं और ये भी क्यूब कटिंग में है। बारबेक्यू सैलेड जो है ये बहुत ही टेस्टी सैलेड है और मेरी खुद की भी ये फेवरेट सैलेड है जो मैं आज आपको रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। ओके फ्रेंड्स, अब देखें ये मैं आपके सामने ही जो है ये चिकन की मैरिनेशन कर रही हूँ। आपने एक बॉल लेना है, यानी कि टेक का बॉल ले लें एक आप मिक्सिंग, और उसमें आपने ये 300 ग्राम्स चिकन क्यूब डाला हुआ। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून बारबेक्यू मसाला डालना है। अगर आपके पास बारबेक्यू मसाला नहीं है तो आप उसकी सॉस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करना है, 1 टेबल स्पून आपका गार्लिक पेस्ट, ठीक है, और उसके अलावा ये रेड चिली पाउडर ऐड कर लें, 2 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मैक्सिमम आपने ये जो मैरिनेशन दी है आप इसको 15 मिनट्स मत दीजिएगा ताकि ये जो सारे मसाले हैं वो इस चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। फिर हम इसे फ्राई पैन पे स्टर फ्राई कर लेंगे। 15 मिनट्स के लिए आपने चिकन को मैरिनेट के लिए छोड़ देना है। ठीक है, अब ये मैं 15 मिनट्स के लिए जो हमारा चिकन है इसे छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छा सा मैरिनेट हो जाए। और देन फिर हम इसमें पैन में ऑलिव ऑयल ले लें या कुकिंग ऑयल ले लें, जौन सा भी आपको सूटेबल करे आप वो ऑयल ले सकते हैं, और हम इसे स्टर फ्राइंग कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप में जो है हम अपनी जो सैलेड की जो हमारी ड्रेसिंग है यानी कि प्रिपेयर द ड्रेसिंग कर लेते हैं, जिसमें आपने टेका गार्लिक क्लोव, सोया सॉस, लेमन जूस, क्रश ब्लैक पेपर, ऑलिव ऑयल, सॉल्ट, ये सब चीज़ें जो है हमने 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल यानी कि लेके हमने इसकी ड्रेसिंग तैयार करनी है। तो ये मैं आपके सामने ही बनाने लगी हूँ। सबसे पहले आपने गार्लिक लेना है, 1 टेबल स्पून फाइन चॉप गार्लिक। गार्लिक के बाद आपने सोया सॉस, 4 टेबल स्पून सोया सॉस। सोया सॉस के बाद आपने 2 टेबल स्पून लेमन जूस। लेमन जूस के बाद आपने सॉल्ट 1/2 टीस्पून, और ये आपके पास है ऑलिव ऑयल, ये देखें 1 एंड 2, 2 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑलिव ऑयल ऐड किया है। अब इसके अंदर मैं ब्लैक पेपर क्रश ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर क्रश भी आपने जो है वो ज़्यादा नहीं लेना, बिल्कुल थोड़ा सा ऐड करना है, मैक्सिमम कोई ये देखें ये 1/4 टीस्पून यानी कि 1/4 चम्मच। तो ये हमारी जो है गाइस जो है वो तैयार हो गई है ड्रेसिंग। ये ड्रेसिंग आप तैयार करके किसी भी बोतल में, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसे किसी छोटे से बॉक्स में भी बना के रख सकते हैं। तो ये हमारी जो है वो ड्रेसिंग तैयार हो गई है, और अब हम वापस जो हमने अपनी चिकन की मैरिनेशन की थी उस मैरिनेशन को अब हम स्टर फ्राइंग यानी कि अब हम कुक कर लेते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप में जो आपने चिकन की मैरिनेशन की थी अब हम उसको, तो सबसे पहले आपने इस पैन को लो फ्लेम कर लेना है और इसमें आपने ऑयल ऐड करना है, जस्ट 3 से 4 टेबल स्पून। जब आप अपना चेक कर लें कि आपका ऑयल में हीट आना शुरू हो गया तो हम अपना चिकन ऐड कर देंगे।
अब ये देखिए हमारा जो चिकन है उसकी तैयारी हो गई है, और ये आपका बारबेक्यू चिकन है। तो मैक्सिमम आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए जो है वो कुक करना है। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा चिकन कितना अच्छा जो है वो कुक हो रहा है। मैक्सिमम आपने इसे 5 से 6 मिनट मस्त देना है। और इसमें से बड़ी अच्छी जो है हमारे बारबेक्यू की जो है वो खुशबू आ रही है, और इंशाल्लाह आपको भी ये सैलेड बहुत पसंद आएगी। तो 5 से 6 मिनट के लिए आपने इसको फ्राई पैन पे अच्छे से पकाना है। अच्छा, जब ये आपका चिकन जो है वो अच्छा सा तैयार हो जाए तो आपने सेंटर में एक फॉइल पेपर रखना है ऐसे, और कोयला रखना है। ठीक है, कोयला रखने के बाद आप देखें ये मैं इसे ना बारबेक्यू स्मोक टच दे रही हूँ। ठीक है, ये आ रहा है आपको स्मोक टच, और ये आपने इसे कवर करके लिड लगा देनी है। मैक्सिमम जो आपकी लिड है 2 से 3 मिनट के लिए आपने बिल्कुल इसे ऐसे ही छोड़ देना है ताकि इसमें सारी स्मोक फ्लेवर आ जाए। गाइस, अब आपने ना एक सिंपल बॉल लेना है, और उसमें जितनी भी हमने वेजीज काटी थी, कैरेट के बाद आपने आइसबर्ग लेना है। अगर आपके पास आइसबर्ग नहीं है तो आप लेटस यानी कि सलाद के पत्ते भी ले सकते हैं, ऑनियन, कुकम्बर, पर्पल कैबेज, वाइट कैबेज, टमाटोज, अब जो आपने ड्रेसिंग तैयार की थी ये देखें, अब हम ये ड्रेसिंग इसमें मिक्स कर देंगे। ड्रेसिंग मिक्स करने के बाद आपने 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, ऑलिव ऑयल हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि जो हमारी सैलेड है उसमें शाइनिंग आ जाए। और अब इसके अलावा हमने अपना बारबेक्यू चिकन ऐड कर देना है। जब आपकी ये सारी चीज़ें मतलब एक ही बॉल में आ जाएं, तो फिर हम इसे एक अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं। और फिर मैं इसको जो हमारी सर्विंग प्लेटर होगा उसमें फिर मैं आपको निकाल के इसे दिखाती हूँ। ठीक है, ये हमारा बारबेक्यू सैलेड जो है वो उसकी रेसिपी तैयार हो गई है। तो अब मैं अब इसकी प्रेजेंटेशन आपको करके दिखाती हूँ। गाइज, ये देखिए ये हमारा प्लेटर जो है वो सर्विंग तैयार हो गया है। मैंने इसमें थोड़ा सा पापड़ी भी जो है वो भी काट के इधर साइडों पे रखी है, और बीच में मैंने रेड फ्लावर लगाया है टमाटो का। तो ये आज की जो रेसिपी थी वो बारबेक्यू सैलेड थी, और इंशाल्लाह आपको बाकी रेसिपीज़ की तरह ये भी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कॉमेंट्स में कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी है। इंशाल्लाह मैं अपनी न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह निगेवान।